नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एयरटेल नंबर पर 1 GB इंटरनेट डाटा बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। 1 GB अगर इंटरनेट डाटा अगर आप फ्री पाना चाहते हैं, कभी भी आप 1 GB इंटरनेट डाटा ले सकते हैं, लेकिन आपके नंबर पर कैसे ही आप ये एक्टिव करेंगे, कैसे 1 GB इंटरनेट डाटा फ्री लेंगे, सब कुछ भी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन हमारे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बता दें यदि आपके पास एयरटेल का सिम है तो 1 GB इंटरनेट डाटा आप कभी भी फ्री ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फुल प्रोसेस आप इन तक देखते रहिए, क्योंकि कभी कई बार क्या होता है कि आप लोग पूरा प्रोसेस नहीं देखते हैं तो वैसे में आप नहीं ले पाते हैं। उसके लिए आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेना है, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करने के बाद यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन है, नीचे की साइड में आप देखेंगे रिवॉर्ड एंड कूपन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर क्या होगा कि जो भी नंबर पर आपके ऑफर होंगे, 1 GB, 2 GB, 3 GB भी मिल सकते हैं आपको, 6 GB भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमें एक बार नहीं तीन तीन बार मिले हैं। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, दो बार तो हमने ले ही नहीं सका, 1 GB, 1 GB का इंटरनेट डाटा फ्री मिला था, लेकिन देख पा रहे हैं एक्सपायर हो गया है, मतलब हमने उसको स्क्रैच करना पड़ता है, कूपन को स्क्रैच नहीं किया। तो आपको करना क्या पड़ेगा, रिवॉर्ड वाले ऑप्शन में जाके वहां पर कूपन आएगा। कैसा कूपन आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले हम आपको दिखाते हैं एक बार जो हमने लिया, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 1 GB हमने एक्टिवेट ऑलरेडी किया है, जो कि 1 GB हमें डाटा मिला है, तो इस तरह से हमने लिया है और दो बार मिस भी कर दिया है हमने, तो स्क्रीन पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं जो कि 1 GB इंटरनेट डाटा हमने सक्सेसफुली फ्री में लाभ लिया है। तो वैसे में अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवॉर्ड वाले ऑप्शन में जाके कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आप देख पा रहे हैं यहां पे 1 GB लिया है, तो इस तरह से कूपन स्क्रैच करने का ऑप्शन रहेगा, यहां पे आपको स्क्रैच कर लेना है। इसको आप जैसे ही मिटाएंगे तो वहां पे आपको 2 GB, 3 GB जो भी कुछ रहेगा वो ऑटोमेटिक एक्टिव भी हो जाएगा, जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे कूपन को।